हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्रिय, आप तक रही हिंदी एक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं Xiaomi EU20.8.24.25 MIUI 2 डिवाइस के अवेलेबल हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पर माई डिवाइस के अंदर देखे पाओगे MIUI वर्जन के अंदर MIUI 12.1 बाई Xiaomi EU20.8.25 बीटा MIUI 2 डिवाइस के लिए अवेलेबल हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो। सो ये जो वर्जन है, तो इस वर्जन को मैंने दो दो डिवाइस के अंदर टेस्ट करके देखा है, Redmi Note 4 के साथ साथ जो Redmi Note 7 है उसके अंदर टेस्ट किया है। बट अभी जो दोस्तों आप ये देख पाओगे वीडियो MIUI 2 डिवाइस के लिए है। सो ये जो दोस्तों आप रॉम देख पाओगे, ये Redmi Note 7 का जो बेस है उसे यूज करके तैयार किया गया है MIUI 2 डिवाइस के अंदर। Redmi Note 7 और MIUI 2 दोनों के अंदर सिमिलर हार्डवेयर है, इसलिए बहुत ही आसानी से Redmi Note 7 का जो पोर्ट रॉम है वो तैयार किया जा सकता है MIUI 2 डिवाइस के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर फीचर्स के बारे में। लगातार दो बार इस फीचर को मैं बता चुका हूं, यहाँ पर ये थर्ड टाइम हो रहा है दोस्तों। स्क्रीन कॉम्बो फीचर को ऐड किया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अगस्त का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल सकता है, एंड यहाँ पर आपको अगस्त का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है दोस्तों उसे हटा के सितंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल रहा है। एंड्रॉयड 10 हमें यहाँ पर मिल जाती है, जो कि देख पाओगे जो डेवलपर का नाम है यहाँ पर आप पर पाओगे, एंड जो कर्नल है वो भी आप देख पाओगे 4.4 यहाँ पर हमें कर्नल का वर्जन मिलता है। मी रिलीजियंस जो है दोस्तों उसे फिक्स करके दिया गया है, ऑप्टिमाइज किया गया है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी स्कैन जो मिलती है दोस्तों, यहाँ पर सिक्योरिटी स्कैन के अंदर आपको दोस्तों डेफिनेशन के अंदर AVL को भी डाल दिया गया है। एज दोस्तों यहाँ पर आपको गेस्चर शॉर्टकट एंड बटन शॉर्टकट को भी डाला गया है, एंड आपको कैमरा के अंदर टाइम बर्स्ट का जो फीचर है वो भी यहाँ पर डाल दिया गया है, एंड यही दोस्तों यहाँ पर मिल जाती है। बाकी दोस्तों जो कैटलॉग है Xiaomi UI का, जो ऑफिशियल कैटलॉग है, वो मैं आपको बता दिया। नाउ बात कर ले दोस्तों MIUI 2 डिवाइस के लिए क्या क्या चेंजेस किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों टेस्ट करते हैं जो पोर्ट्रेट मोड है दोस्तों, स्टॉक कैमरे के अंदर MIUI 12 के साथ काम नहीं कर रहा है ये दोस्तों। MIUI 2 के साथ बहुत दिनों से इशू रहा है। एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका Geekbench की, तो Geekbench को यहाँ पर ओपन करते हैं। मैंने ऑलरेडी Geekbench का जो टेस्ट है उसे अप्लाई करके देखा है, एंड सिंगल कोर के अंदर जो हमें स्कोर मिला है 337 एंड मल्टी कोर के अंदर जो स्कोर मिला है 1034, जो कि हमें ठीक ठाक मिल दी जाती है, थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। एंड यहाँ पर वाईफाई जो है काम कर रहा है, ब्लूटूथ हॉटस्पॉट मोबाइल डाटा ऑलमोस्ट सभी कुछ काम कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो रॉम है दोस्तों डे बाई डे स्टेबल होती रहती है। मतलब नया नया वीक के अंदर नया नया फीचर्स आपको अभी कम मिलती है MIUI की तरफ से। अभी दोस्तों जो रॉम है उसे स्टेबल करने की कोशिश करा जा रहा है। सो यहाँ पर जो कैमरा टू API है उस एप्लीकेशन को आपको मैं यहाँ पर डायरेक्टली डाउनलोड करके दिखाता हूँ। एंड यहाँ पर जो गूगल स्टोर है और जो गूगल का प्ले स्टोर है वो काम कर रहा है, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है। एंड जो कैमरा एप्लीकेशन है वो यहाँ पर काम कर रहा है। लेवल थ्री का कैमरा टू API का सपोर्ट मिल जाती है। सो जो GCam है और जो गूगल कैमरा है फर्स्ट क्लास इस रॉम के अंदर काम करेगा, कोई भी इशू यहाँ पर आपको इस रॉम के साथ नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पर बाकी जो सेटिंग्स है नॉर्मल स्टफ से, यहाँ पर आपको डिस्प्ले के अंदर रीडिंग मोड मिलती है, डायरेक्ट डिग्री डार्क मोड मिल जाती है। एंड अगर आप चाहो तो दोस्तों जो MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर के साथ साथ MIUI 11 का भी कंट्रोल सेंटर या सब यूज कर सकते हो। एंड Android 10 के ऊपर बेसिकली तैयार किया गया है, तो इसलिए ऑलमोस्ट सभी चीज़ यहाँ पर काम कर जा रही है। सो अभी दोस्तों आपको जो MIUI 12 दिखाई दे रहा है दोस्तों, मेनली स्टेबल करने की कोशिश किया जा रहा है दोस्तों। इसके अंदर अभी नया फीचर्स को नहीं डाला गया है। ऑलरेडी दोस्तों Redmi Note 4 और Redmi Note 7 के अंदर सेम रॉम को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपके पास Redmi Note 7, अगर आप अभी भी Redmi Note 7 का वीडियो को नहीं देखा हो तो जाओ जरूर से देखिएगा, आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। Redmi Note 7 के अंदर जो जो फीचर है सेम फीचर आपको MIUI 2 के अंदर मिलेगी, क्योंकि दोस्तों Redmi Note 7 का ही बेस यूज किया गया है MIUI 2 डिवाइस के अंदर। जो मेनली जो बग है दोस्तों कैमरा टू API मेनली जो बग है दोस्तों पोर्ट्रेट मोड के अंदर है। MIUI 2 डिवाइस के अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है काम नहीं कर रहा है, इसके लिए आप GCam यूज कर सकते हो। बाकी जो रीडिंग मोड है वो भी काम कर रहा है, कोई भी इशू यहाँ पर रीडिंग मोड के साथ मैंने नोटिस नहीं किया है, एंड कुछ इस तरह से मिलता है रीडिंग मोड। एनीवे आशा करो वीडियो पसंद आएगा, सब्सक्राइब कर देना। एंड रीडिंग मोड को बंद करने के बाद में सब बंद नहीं हो रहा है, क्या बात है, ये देखो भाई सब ओके, ये दूसरा बग हो गया। सो रीडिंग मोड के अंदर एक इशू हमने यहाँ पर नोटिस किया है। एनीवे आशा करो वीडियो पसंद आएगा, सब्सक्राइब कर देना, घंटी वाला आइकन को दबा देना। कैमरा के अंदर इशू है पोर्ट्रेट मोड के अंदर, एंड जो बग है दोस्तों रीडिंग मोड के साथ हमने यहाँ पर देख लिया है। चलो बाय।